Hello everyone, my name is Pankaj and I welcome you in our YouTube channel Notebook E-Learning. In this we are going to see the Brahmaputra river system. Okay, so let's start. तो अभी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिनेशन होता है आपका इस ग्लेशियर से, दैट इज चामयुंगडुंग ग्लेशियर. ओके, तो चामयुंगडुंग ग्लेशियर आपका है आपका मानसरोवर लेक के पास, मानसरोवर लेक के पास ये ग्लेशियर है. एंड यहाँ पे आपने माउंट कैलाश सुना होगा, माउंट कैलाश के नियर बाई ये ग्लेशियर है और वहाँ से ये ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिन होती है और यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करती है. फिर इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है. ओके, यारलुंग सांगपो से ये जाना जाता है. फिर ये आगे चलते चलते एक बहुत ही स्टीप टर्न लेती है योंगयाप पास से. ओके, यहाँ पे एक योंगयाप पास है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, योंगयाप पास. ओके, योंगयाप पास ध्यान रखना है इसका नाम. योंगयाप पास से एक स्टीप टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती है. अब इस रिवर को, ब्रह्मपुत्र रिवर को, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड दिहांग रिवर. ओके, तो आप अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इसको किस रिवर के नाम से जानते हैं, दिहांग रिवर से. तो फिर ये आगे ओरिजिनल ये आगे निकलती है ऐसे करके. अब इसके कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. ओके, अब लेट्स अंडरस्टैंड कि आपके पहले यहां से कौन सी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती है. तो सबसे पहले रिवर जो इसको ज्वाइन करती है ये है दिबांग, यहां से दिबांग. ओके, दिबांग इसको ज्वाइन करती है सबसे पहले और उसके बाद एक इसको मणिपुर से आपने सुना होगा लोहित रिवर. ओके, तो लोहित रिवर दूसरी इसको ज्वाइन करती है. दिहांग नाम से इसको जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर. फिर इसको दिबांग रिवर ज्वाइन करती है, उसके बाद आपकी लोहित रिवर इसको ज्वाइन करेगी. फिर धनसारी एक नाम की रिवर है, धनसारी नाम की रिवर इसको ज्वाइन करती है. ओके, दिस इज धनसारी रिवर. ओके, तो धनसारी रिवर इसको ज्वाइन करती है इस साइड से. अब हम जब बात करते हैं कि आपका इसकी, अगर ये इंडिया के अंदर स्टीप टर्न लेने के बाद जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना, तो वो एक्चुअली में किस तरीके से, तो देखो एक रिवर यहाँ से इसके स्टार्ट होती है, दैट इज सुबनसिरी. ओके, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं शुभनसिरी. ओके, तो शुभनसिरी इसकी जो पहली रिवर है, ये यहाँ से इसको इस साइड से, बिल्कुल आपका ये ध्यान, आप ऑर्डर बिल्कुल ध्यान रखना कि जो सबसे पहली रिवर इसको ज्वाइन करती है दैट इज सुबनसिरी. उसके बाद आपको मैं एक बार मैप में एक क्लियर व्यू देता हूँ इन द हियर. अभी देखो ये कंप्लीट मैप है इसका. देखो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, दैट इज द कैलाश, और यहाँ मानसरोवर लेक से ये यहाँ से चलना स्टार्ट होती है और ये आपकी तिब्बत में किस नाम से, यारलुंग सांगपो. ओके, तो इस यारलुंग सांगपो से जब जाना जाता है, आगे ये चलती चलती ये आपका ये पास है जहाँ से अरुणाचल प्रदेश में ये योंगयाप पास से ये आगे बढ़ना यहाँ से स्टार्ट करती है. ओके, तो इसको ये लोहित रिवर ये ज्वाइन कर रही है. देखो लोहित रिवर, उससे पहले ये जो ज्वाइन करती है उसको दिबांग रिवर. ओके, दिहांग तो इसको खुद ही जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में. उसके बाद यहाँ से आपकी लोहित, ये आपकी दिबांग रिवर पहली ट्रिब्यूटरी होगी, फिर लोहित रिवर होगी, फिर धनसारी होगी, है ना. तो ये एक्चुअली में इसको इस तरीके से ज्वाइन करते हैं. अब यहाँ से ये रिवर आप देख पा रहे हैं, दैट इज सुबनसिरी. ओके, तो ये सुबनसिरी रिवर है आपकी, है ना. उसके बाद इसकी किमनिंग एक रिवर है, ये एक्चुअली में इसको ज्वाइन करती है. इसके बाद फिर एक मानस रिवर है, फिर एक रेडक रिवर है, इसके बाद क्वेश्चन भी पूछा गया था आपका, और उसके बाद एक की जलढाका रिवर है, एक जलढाका रिवर भी इसको ज्वाइन करती है. तो आप इसको ऑर्डर याद रख लो कि सबसे पहले सुबनसिरी, फिर उसके बाद कैमिंग, फिर मानस, फिर रेडक, फिर जलढाका, है ना. तो जलढाका के बाद एक संकोच रिवर है, तेस्ता और जलढाका के बीच में. अब यहाँ पे आपके मैप में मे भी मेंशन हो, यहाँ पे एक बार लिख लेना संकोच रिवर. ओके, तेस्ता से पहले ज्वाइन करती है संकोच रिवर. ओके, संकोच रिवर, संकोच के बाद आपकी जो इसको ज्वाइन करेगी वो करेगी तेस्ता, है ना, तेस्ता रिवर. ये देख तेस्ता रिवर यहाँ पे आपको दिख भी रही होगी, ये तेस्ता रिवर है. तो इस ऑर्डर में याद करना, सबसे पहले सुबनसिरी, फिर स्कैमनेंग, फिर मानस, फिर रेडक, फिर जलढाका, फिर संकोच, और उसके बाद फिर आपका ये क्या बोलते हैं तेस्ता. ओके, तो इस ऑर्डर में आप पे याद रखना, सुबनसिरी आपकी सबसे पहले है, तेस्ता आपकी सबसे इस साइड में आएगी, फिर संकोच आपकी तेस्ता के इस साइड में है, फिर जलढाका ये आपकी जलढाका, रेडाक, फिर मानस, फिर केमने. ओके, फिर इस साइड की बात करते हैं, तो ये धनसारी ये होगी, ये आपकी लोहित रिवर होगी, और ये दिबांग कौन से पास से ये एंटर करती है, दैट इज योंगयाप पास. ये याद रखना, योंगयाप पास से ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में. इसको दिहांग नाम से भी जाना जाता है. फिर आगे चलते हैं, तो अब देखो
इसको बांग्लादेश के अंदर जमुना नाम से जाना जाता है, और आपने सुना होगा जब गंगा बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है उसको पद्मा नाम से जाना जाता है, और इन दोनों को जब मिल जाती है तो इसको मेघना नाम से जाना जाता है, और ये बड़ा बहुत बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहाँ पे फॉर्म करती है कंप्लीट, है ना। और इसकी एक ट्रिब्यूटरी और है, दैट इज बराक। ओके, तो ये बराक रिवर भी इसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी। तो ये आपकी सारी मेजर ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने इसमें कवर कर ली है, इसके अलावा कोई और ट्रिब्यूटरीज नहीं होते। क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि भाई आप इसको आपका ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, तो ईस्ट टू वेस्ट में आपको मालूम होना चाहिए सुबनसिरी सबसे पहले आती है, लास्ट में आपकी तेस्ता आती है, फिर एक संकोच रिवर है तेस्ता के बाद, फिर आपकी जलढाका होगी, रेडाक होगी, मानस होगी और कैमनिंग होगी, है ना। इस साइड की बात करेंगे तो आपकी धनशारी इस साइड से रिवर आती है, दैट देन लोहे दैट देबांग। ओके, देहांग कोई रिवर नहीं, देहांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को ही बोला जाता है ना। और अगर आप इसकी बात करोगे कहां से ओरिजिनेशन होती है, दैट इज चामयुंगडुंग ग्लेशियर। ओके, ये मानसरोवर के पास पड़ता है चामयुंगडुंग ग्लेशियर, और इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग सांगपो। ओके, यारलुंग सांगपो नाम से इसको तिब्बत के अंदर जाना जाता है, ये आप ध्यान रखना। ओके, दैट्स ऑल अबाउट ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, एंड वी विल कम अप विद द पेनिनसुलर रिवर्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। थैंक यू।